आदाब नाज़रीन, हैदराबाद दक्कन न्यूज़ की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका इस्तकबाल है। हिजाब को लेकर पंडित जी ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा बात की है, एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कर्नाटक की एक लड़की, क्या कहें उसे, शेरनी, शेरनी तो अवश्य है, यदि सैकड़ों भक्तों से अकेले उसने टक्कर लिया तो निश्चित शेरनी ही कहलाएगी। सवाल यह उठता है कि हमारे देश में जो अभी एक मोदी के आने से जो न्यू इंडिया पैदा हुआ है, ये न्यू इंडिया दूसरे की मां बहनों को क्या पहनेंगे ये सिखाएंगे? पहले अपनी मां बहनों को सिखाओ कि तुम्हारी माता बहनें क्या पहनेंगी। वो जो तुम्हारी बहन जी थी भक्तों की, झांसी की रानी नई वाली फिल्म वाली कंगना रावत, वो जो बिकनी पहन के जो पूरा कटिंग दिखाती है वो पहनती है क्या तुम्हारी माता बहनें? वैसे कपड़े तुम लोग पसंद करते हो क्या? किस संस्कार को भारत में लाना चाहते हो, मैं ये पूछना चाहता हूं। सनातन धर्म को किस गड्ढे में धकेल देना चाहते हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। सनातन धर्म के बारे में थोड़ा ज्ञान तो प्राप्त कर लो। किस युग के अंदर लिखा है कि नंगे कपड़े पहन के लड़कियां रोड पे चलें? अगर उसने बदन ढक के अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है तो तुम्हें क्या आपत्ति है भाई? तुम अपने धर्म की तो रक्षा करो, दूसरे की क्यों चिंता करते हो? एक सरस्वती पूजा करते हो तो उसमें ऑर्केस्ट्रा नचवाते हो, यही धर्म बच गया है? यह सनातन धर्म में रह गया है विद्या की देवी का मूर्ति लगा के ऑर्केस्ट्रा देखना, किस धर्म में लिखा है? मैं भी सनातन धर्म से हूं, मानता हूं, पूरी तरह मानता हूं, पूरी इज्जत करता हूं अपने धर्म की, लेकिन किसी के धर्म के ऊपर उंगली भी नहीं उठाता, क्योंकि किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि तुम दूसरे के धर्म का अपमान करो। तुम किसी को डायरेक्शन दो, तुम दूसरे को जो डायरेक्शन देते हो पहले खुद सीखो, तब किसी के ऊपर हम टिप्पा टिप्पणी करें तो शोभनीय होगा। ये तो गर्व की बात है। ये मुसलमान में जो आज बुर्का पहना जाता है या उनकी च्वाइस है, और ये क्या है, सनातन धर्म में नहीं था क्या? क्या ये न्यू इंडिया के अंदर जिस्म दिखाना धर्म कहलाएगा क्या? अभी उस क्या कहते हैं वो कंगना रनावत के पीछे तो सारे भक्त नाच रहे थे, तो उसको तो पहले कपड़ा पहनाना सिखाओ। वो जो उतार के घूमती है और दिखाती फिरती है और बनती है झांसी की रानी, तो ये सब चीजें हैं। दूसरी बात, मैंने कल ही कहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में, मिल गई आज हकीकत। ज्यादातर ईवीएम वहीं खराब हुए हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे मुस्लिम की संख्या या जहां दलित की संख्या, जहां पता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मत नहीं देंगे, वहीं के ईवीएम सबसे ज्यादा खराब हुए हैं, एक बार नहीं डबल बार। क्यों? मैंने कहा था ना कि हिंदुस्तान की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मक्कार पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उसके थाली के चट्टे बट्टे निर्वाचन आयोग भी हैं जो उसके इशारे पे नाच रहे हैं नचनिया की तरह। यदि एक निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हो तो बंद करो इस ताम झाम को, और इतने महीनों से यदि एक चुनाव की तैयारी होती है तो ईवीएम खराब कैसे हो जाता है? इसका मतलब है कि जानबूझ के ईवीएम को खराब किया जाता है और वहां भेजा जाता है। खुला आरोप निर्वाचन आयोग पे लगा रहा हूं मैं। धनेश्वर महतो भारतीय मित्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूं कि
निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिली हुई है, तभी तो इतने ईवीएम खराब हो जाते। एक हो सकता है कहीं अगर हम 6 महीने या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उसी संबंध में, क्या ईवीएम को चेक नहीं किया जाता है? अब तो यह भी आपको हर पार्टी के नेताओं से कहना चाह रहा हूं, अपील करना चाहता हूं कि जब ईवीएम लेके निकले प्रशासन, तो आप भी अपनी गाड़ी उस प्रशासन की गाड़ी के पीछे लगा के भेजो अपने कार्यकर्ता को, क्योंकि ईवीएम रास्ते में भी एक्सचेंज होता है, होटल में भी होता है, देखे है ना कि आपने पीछे। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर पहर कहर कुछ नहीं है, ये अगर 400 बीसी की तो मक्कारी इनके रग में दौड़ती है। अगर ये 400 बीसी हेरा फेरी ना करे, चोरी ना करे, तो भारत में एक सीट जीतना इनको भारी पड़ जाएगा। ये चीजें समझने की है। पहले राउंड की आज मतलब पहले चरण की वोटिंग हुई है, 6 चरण अभी बाकी हैं। सभी राजनीतिक दलों से अपील कर रहा हूं, गिद्ध की तरह चील की तरह नजर रखिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। अब ये मैं आरोप क्यों लगा रहा हूं, समझ लो इसका भी उद्देश्य। एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के एक भी राजनीतिक दल ईवीएम से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की निर्वाचन आयोग मान रहा है और 99 व्यक्ति को निग्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली है। अब कितने में डील हुई है ये तो वही बता सकते हैं, डील तो निश्चित हुई है, क्योंकि हर चीज की कीमत लगाना नरेंद्र मोदी अमित शाह को बाखूबी आता है। तभी तो देखते हो सीटें ज्यादा कोई जीतता है, सरकार कोई बनाता है, एमएलए रातों रात बिक जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कई स्टेट की सरकारों में तो देखा ही आपने, तो भैया अच्छी खासी ये बोली लगाना जानते हैं। ये सब चीजें पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं। जय हिंद।